कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नवामि। आध्यात्मिक कहानियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से समुन्दर मंथन में अमृत निकला। जी हाँ, इंद्र जी और दैत्य दोनों मंथन कर रहे थे और उसमें से विष निकला, शंख निकला और बहुत सी चीजें निकली और अंत में उनको अमृत की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं जो कि है शिव पुराण से और जिसका शीर्षक है गंगा को जटाओं में बांध लिया था शिव जी ने। जी हाँ, चलिए कहानी शुरू करते हैं। रघुवंश में भगवान राम के पूर्वज भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने भागीरथ से कहा, यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सह नहीं पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथी सोच में पड़ गई। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू की। शिव ने गंगा का गर्व दूर करने के लिए संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भागीरथी से वर मांगने को कहा। भागीरथी ने अपना सब मनोरथ उनसे कह डाला। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी और शिव से माफी मांगने लगी। तब शिव ने उन्हें जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा सात धाराओं में प्रभावित हुई। जय गंगा मैया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी किस तरीके से गंगा जी को जटाओं में बांध लिया था बम बम भोले ने। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानी हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।